नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में श्री मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू ने कथित तौर पर चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। इस बीच पुलिस द्वारा चित्रदुर्ग स्थित डीएसपी कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है। चौथे आरोपी मठ सचिव परमशिव्या ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने लोक अभियोजक को आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है और सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। आरोपित नंबर 3 कनिष्ठ पुजारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी 5 सितंबर को सुनवाई होगी। बाराबंकी के रामनगर में एक सड़क दुर्घटना हुई। नेपाल से गोवा जा रही एक डबल डेकर बस का पहिया खराब होने के कारण ड्राइवर उसका पहिया बदल रहा था, तभी एक गाड़ी पीछे से आकर टकरा गई। हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान 4 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी के घायल इलाजरत हैं। बस में कुल 60 सवारी थी। पाकिस्तान संकट, आईएमएफ ने जताई चिंता। महंगाई के कारण पाकिस्तान में शुरू हो सकते हैं प्रदर्शन। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई ही टेट मामले की जांच करेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर छापेमारी। कर्नाटका हाईकोर्ट, केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा ट्विटर ने जानबूझकर नहीं किया देश के कानूनों का पालन। सुरक्षा बलों की बढ़ेगी ताकत, बीएसएफ ने विकसित किया टियर स्मोक लॉन्चर, उपद्रवियों को रोकने में हो सकता है इस्तेमाल। असम, सोनितपुर में अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार, सैकड़ों मकान दहाए, 330 एकड़ जमीन मुक्त होगी। नित्यानंद, कैलासा से बाहर आएगा दुष्कर्म का आरोपी नित्यानंद, गंभीर बीमारी का नहीं मिला इलाज, यहां मांगी शरण। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले सामने आए और 9,651 लोग ठीक हुए। अभी देश में कोरोना के सक्रिय मामले 56,745 हैं। तेलंगाना, सवालों का जवाब नहीं दे पाने पर वित्त मंत्री ने जिलाधिकारी की लगाई क्लास। सीतारमण ने जिलाधिकारी से पूछा कि जो चावल खुले बाजार में 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है, वह 1 रुपए में लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है, इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। आगरा, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन, स्थानीय सियासी गलियारों में शोक की लहर। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लगा बड़ा झटका, 5 विधायक भाजपा में हुए शामिल। झारखंड पॉलिटिक्स, छत्तीसगढ़ के सीएम का दावा, राज्य में जल्द ही ईडीआईटी के छापे पड़ेंगे। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, चुनावी होमवर्क में जुटी भाजपा, सांसद विधायक तैयार कर रहे धार्मिक स्थलों और आयोजनों की रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी, बप्पा के विसर्जन में व्हीलचेयर पर डांस करती दिखी शिल्पा शेट्टी, एक ही रंग में रंगा दिखा कुंद्रा परिवार।